फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जेई मल्टीवर्स चैनल। आज हम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फिर बल्क स्ट्रेन और स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ। ये स्प्रिंग वाला हुक्स लॉ नहीं है, अलग हुक्स लॉ है, ठीक है। मतलब हुक तो शायद एक ही होगा, लेकिन लॉ दूसरा है थोड़ा। हुक ने क्या बोला कि जो स्ट्रेस होता है कोई भी बॉडी पे वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जो स्ट्रेस होता है वो भी बॉडी पे वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो इधर से हम इसको, ये चीज बड़े काम की चीज है, ठीक है, बड़े काम की चीज है। इसमें हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट करके इसको इक्वेट कर दे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। स्ट्रेस, देखो, स्ट्रेस इक्वल टू ईटा, जो भी बोलना हो, ईटा इंटू स्ट्रेन। ये कोई कांस्टेंट है ईटा, और जो ईटा है वो ईटा को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ईटा को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ईटा को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हाँ, ये जो ईटा होता है वो हर मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है, हर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। और साथ ही साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन किस टाइप के, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस और स्ट्रेन, नहीं वो तो उस पर खास डिपेंड नहीं करेगा, उस पर नहीं डिपेंड करेगा। लेकिन तीन टाइप के हम इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। और वो क्या है? एक तो सबसे पहला यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा जो है वो है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा शियर मॉड्यूलस। तो आज हम यंग्स मॉड्यूलस पढ़ते हैं, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस पढ़ते हैं हम। देखो, एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, अब ठीक है। तो हम, हाँ, सब पहले यंग मॉड्यूल्स पढ़ने से पहले, जो ये हुक्स लॉ है वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तब एप्लीकेबल नहीं है। देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक्चुअल ग्राफ अगर हम देखें तो कैसा होगा? देखो, ये स्ट्रेस है, रुको, ये स्ट्रेस, देखो ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। नहीं, ये ग्राफ नहीं, हम स्ट्रेन वर्सेस, देखो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है। तो ये देखो, ये कुछ हद तक तो प्रपोर्शनल रहेंगे, लेकिन बाद में एक प्रपोर्शनल, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद ये प्रपोर्शनल नहीं रह के ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और उसमें भी थोड़ी देर के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा, और वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा, बाद में वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। तो देखो, ये जो पॉइंट है जहाँ पे, या जहाँ तक प्रपोर्शनल है ये दोनों, ये पॉइंट को हम बोलते हैं प्रपोर्शनलिटी, प्रपोर्शनलिटी लिमिट। देखो, नाम ही ऐसा दे दिया है, प्रपोर्शनलिटी लिमिट। तो ये पॉइंट तक ये दोनों प्रपोर्शनल हो गए। और ये क्या है? ये है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लिमिट। ये पॉइंट तक बॉडी इलास्टिक रहेगा, उसके बाद वो अपनी सारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा। खैर, ये इतना काम नहीं आने वाला हमारे क्वेश्चंस में, क्योंकि हम क्वेश्चंस में ये प्रपोर्शनल लिमिट तक ही क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे आगे नहीं देंगे। और अगर होगा कुछ तो उसमें दे देंगे कि ये प्रपोर्शनल लिमिट के बाहर, और बाद में कोई दूसरा रिलेशन होगा जो हमें देंगे, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए होता है। यंग्स मॉड्यूलस जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए होता है। तो अगर हम देखें यंग्स मॉड्यूलस को, यंग्स मॉड्यूलस, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या है? यंग्स मॉड्यूलस को अगर हम देखें तो देखो, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन तो हमें पता ही है, स्ट्रेन। अब हम अगर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडिनल ले ले, यानी कि अगर कोई केस हो जिसमें स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो और स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो, तब जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसको हम यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। तो यानी कि अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू, इक्वल टू लिख देते हैं यंग्स मॉड्यूलस, इसको हम वाई लिख देते हैं, ठीक है, वाई इसका सिंबल है। तो इक्वल टू वाई इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होता है यंग्स मॉड्यूलस। हाँ, तो अब बल्क मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस क्या है वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि बल्क मॉड्यूलस तब आता है जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले लेते हैं, और शियर मॉड्यूलस तब आता है जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन शियर वाला ले लेते हैं, शियर टाइप का ले लेते हैं, तो तब वो मॉड्यूलस आ जाएंगे। सिंपल है,
तो अब हम इलस्ट्रेशन करते हैं, अभी हम यंग्स मॉड्यूलस पे इलस्ट्रेशन करते हैं, बाद में बल्क मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस पे बाद में इलस्ट्रेशन करके, उन पे इतने इलस्ट्रेशन नहीं बनते, ज़्यादातर हम यंग्स मॉड्यूलस पे ही बनते हैं। तो देखिए पहला इलस्ट्रेशन है कि हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग्स है, बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन। ये स्ट्रिंग है जिसका बस बहुत कम है ये ब्लॉक के मास से, इसलिए उसको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ ये खास बात है, ये छोटे मास को हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं हमारे कैलकुलेशन के वक्त। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक स्ट्रिंग है जिसका यंग मॉड्यूलस वाई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है और मास एम है जो बहुत कम है ये कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में, और ये कैपिटल ये ब्लॉक को हमने लटका रखा है जिसका मास कैपिटल एम है। और अब हमें पूछा है कि ये जो थ्रेड है इसमें इलॉन्गेशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखो, हम टेंशन निकालना पड़ेगा, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा इस थ्रेड के अंदर वो हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम स्ट्रेस निकाल पाएंगे। और अगर हम स्ट्रेस निकाल लिया हमने, बाद में हम यंग मॉड्यूलस के हेल्प से हम स्ट्रेन भी निकाल पाएंगे, और स्ट्रेन निकाल लिया बाद में हम डेल्टा भी निकाल पाएंगे। डेल्टा होता है चेंज इन रेट, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंशन निकालते हैं। देखो ये अगर हम ब्लॉक की एफबीडी बना है, ब्लॉक के अगर हम एफबीडी बना है तो नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है। और भाई ये तो रेस्ट पे ही है, रस्सी से लटका हुआ है इसलिए, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो टेंशन बराबर एमजी। अब हाँ खास बात, अब खास बात होगी यहाँ पे। देखो ये हर टेंशन तो मास वाली है, अगर टेंशन मास वाली होती है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होता है। ये तो आपने एनएलएम में पढ़ा ही होगा कि अगर टेंशन मास वाली हो तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम इस पोर्शन की एफडी बनाए, कुछ एक्स डिस्टेंस है ये, तो यहाँ पे टेंशन टी डैश अलग आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे टी डैश जो है वो मास एम को तो बैलेंस कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये स्ट्रिंग की जो ये जो स्ट्रिंग जितना स्ट्रिंग का पोर्शन में लिया है उसने उतने वेट को भी बैलेंस कर रहा होगा, तो टेंशन ज्यादा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमने मास को बहुत छोटा दे दिया। अगर मास को बहुत छोटा दे दिया है तो उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इनके कंपैरिजन में, तो हमें ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। टेंशन नियरली हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो अब टेंशन नियरली कांस्टेंट होगा। तो अगर हम ये थ्रेड को देखें, ये थ्रेड है ठीक है, ये हमारी थ्रेड है, ये मोटी पतली बन गई, लेकिन यूनिफॉर्म एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो तो हम कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा ले, कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा ले, टेंशन नियरली सेम होगा जो एमजी के बराबर होगा। और अगर टेंशन नियरली सेम है एमजी के बराबर, तो हम अब स्ट्रेस डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, एमजी बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। टेंशन बाय एरिया होता है, देखो टेंशन बाय एरिया होगा, टेंशन बाय एरिया होगा, और टेंशन क्या है एमजी, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया एमजी बाय एरिया। अब स्ट्रेस आ गया, अब लगाओ हुक्स लो, हुक्स लो लगाना है अब हमें। देखो स्ट्रेस हमको पता है, स्ट्रेस हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि ये स्ट्रेस होता है। अब देखो ये टाइप कौन सा है, ये कौन सा टाइप है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ही तो है भाई, क्योंकि सिर्फ स्ट्रिंग के एक डिमेंशन लेंथ में ही चेंज आ रहा है, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। अब देखो स्ट्रेस प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, अगर ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल हो तो। अब यंग्स मॉड्यूलस हमें दे रखा है, स्ट्रेस हमें पता है एमजी बाई एरिया इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन ठीक है। तो इधर से स्ट्रेन की वैल्यू क्या आई, स्ट्रेन की वैल्यू आई एमजी बाय एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस। अब स्ट्रेन आ गया, अब स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ बाय नेचुरल लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं। नेचुरल लेंथ यानी कि नेचुरल लेंथ ये स्ट्रिंग की, अगर हमको मास को नहीं लटकाया होता तो। अब इलॉन्गेशन के बाद की लेंथ कुछ और होगी, क्योंकि अब लेंथ बदल जाएगी, तो स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं, सॉरी स्ट्रेन 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 को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय एल, और हमें क्या स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय एल, और हमें निकालना क्या है, डेल्टा एल ही निकालना है, क्योंकि हमें पूछा इलॉन्गेशन इन थ्रेड, यानी कि थ्रेड की लेंथ में कितना चेंज आया, कितने अमाउंट से स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ गई, तो हमें डेल्टा एल ही निकालना है। अब ये हमने अभी निकाला स्ट्रेन की वैल्यू एम जी बाई ए वाई, तो इधर से सीधा सीधा आ गया हमारे पास डेल्टा एल जो होगा, डेल्टा एल जो होगा हमारे पास क्या आएगा, एम जी एल बाई एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस। तो इस तरह से हम चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। चलो और दो तीन इलस्ट्रेशन हम ट्राई करते हैं। देखो अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सिमिलर है लेकिन बदल गया। अब क्या है,
अकेली थ्रेड स्ट्रिंग हमें दे रखी है जिसका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिखना रह गया, लेकिन हमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मानना है अभी इस क्वेश्चन के लिए। जिसका मास एम है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्ट्रिंग के वॉल्यूम में, लेंथ एल है, एरिया ए है, यंग्स मॉड्यूलस वाई है। अब हमें पूछा है इलोंगेशन इन स्ट्रिंग। अब अलग अलग देखो, अगर हम अब इसका अगर हम अलग अलग क्रॉस सेक्शन ले तो टेंशन अलग अलग आएगा। यहाँ क्रॉस सेक्शन ए मान लो, यहाँ क्रॉस सेक्शन बी मान लो, ये लेंथ एक्स मान लो, ये लेंथ वाई मान लो। हाँ, ये वर्टिकल डिरेक्शन में मूव नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं है नीचे जा रही है, फिक्स्ड है, ठीक है, सीलिंग से फिक्स्ड है, और दब भी नहीं रही होगी क्योंकि हम नीचे से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी एक्सेलरेशन तो जीरो है अगर दब भी रही हो तो। अगर हम देखो एक ही एक, देखो रुको, देखो हम क्या करेंगे, पहले हम ये पोर्शन एक पे हमें टेंशन निकालना है, तो ये पोर्शन पे क्रॉस एफबीडी बनाओ। तो देखो एक्स लेंथ की हम स्ट्रिंग की एफबीडी बना रहे हैं, एक्स लेंथ की स्ट्रिंग की एफबीडी बना रहे हैं, जिसपे नीचे ये एक्स लेंथ का मास जो है उतना फोर्स लगेगा, मान लो स्मॉल एम मासेस का, ये एक्स लेंथ की स्ट्रिंग का, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन जीरो है, तो टेंशन क्या आएगा, टेंशन भाई हमारा एम जी आ जाएगा। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम ये है कि हम एम कैसे निकालें। तो भाई अभी मैंने बोला कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो देखो हमें मास पर यूनिट लेंथ निकाल ले वो तो यूनिफॉर्म ही होगा हर एक के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम मास पर यूनिट लेंथ निकाल ले तो हम इसका मास निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स। तो अगर हम मास पर यूनिट लेंथ निकाले म्यू, देखो अगर हम म्यू निकालते हैं, देखो अगर हम म्यू निकालेंगे तो म्यू क्या आएगा, मास पर यूनिट लेंथ को मैं म्यू ले रहा हूँ, तो वो क्या आएगा, एम बाई एल आएगा, एम बाई एल आएगा। अब एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये पर्टिकुलर पोर्शन की लेंथ जो एक्स है, तो म्यू एक्स यानी कि एम बाई एल इंटू एक्स। देखो हमने इस तरह से इसका मास निकाल लिया, तो इधर से टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, टेंशन आएगा एम बाई एल इंटू एक्स जी। तो देखो टेंशन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम बी का देख, बी का अगर हम एफ बी डी बनाए तो, एफ बी डी बनाए तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं टेंशन जो होगा वो एम बाई एल इंटू वाई जी होगा, क्योंकि जो ये टेंशन क्या होगा, एम बाई एल इंटू जी इंटू कितने स्ट्रिंग की लेंथ हमने जहां तक की एफबीडी बनाई है वो। तो टेंशन बी क्रॉस सेक्शन पे एम एल बाई एल वाई जी होगा, और ए क्रॉस सेक्शन पे एम बाई एल एक्स जी होगा। तब देखो टेंशन वेरिएबल आ रहा है, तब अब हम क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। तो अब बारी आ गई है कैलकुलस की, कैलकुलस लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो अब इसको मिटा देता हूं मैं, ये काम का नहीं है अब। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग जो है हमारी, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो डायग्राम थोड़ा ऐसा बन गया है। देखो मैं एक्स डिस्टेंस पे, बॉटम से एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स विड्थ का एलिमेंट मान रहा हूँ, ध्यान से देखना, डीएक्स विड्थ का एलिमेंट, डीएक्स विड्थ का एलिमेंट मैं मान रहा हूँ, जिसका मास क्या होगा। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ, क्या है ये डीएक्स विड्थ का एलिमेंट है, ठीक है, डीएक्स विड्थ का एलिमेंट है। अब देखो यहाँ का टेंशन क्या होगा, इस पोर्शन भी क्रॉस सेक्शन मान लो ए है, तो ये क्रॉस सेक्शन पे टेंशन क्या होगा, अभी हमने निकाला एम बाई एल इंटू एक्स जी, देखो ये एक्स डिस्टेंस पे, तो टेंशन, हाँ अब यहाँ पे देखो टॉप पॉइंट पे बॉटम पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा, क्योंकि लेंथ अलग अलग है, ये यहाँ के लिए एक्स प्लस डी एक्स लेंथ है, यहाँ के लिए अकेला एक्स लेंथ है, तो भाई ये डी एक्स इतना छोटा है कि टेंशन को हम ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, डी एक्स पोर्शन के लिए डीएक्स इतना छोटा है कि हम टेंशन को ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। तो देखो ये पोर्शन को मैंने जूम कर दिया, इसकी लेंथ डीएक्स है, मास डीएम है, डीएम कैसे निकालेंगे, म्यू इंटू लेंथ, लेंथ क्या है डीएक्स, ये म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि एम बाई एल डीएक्स, ये डीएम हो जाएगा। तो अगर मैं डीएम को लिखूँ इधर, तो डीएम क्या होगा हमारा, डीएम हो जाएगा एम बाई एल डीएक्स, डीएम हमारा एम बाई एल डीएक्स हो गया। अब इसकी एफबीडी बनाते हैं, इधर टेंशन लग रहा है, देखो टेंशन लग रहा है इस पे, एफबीडी नहीं, एफबीडी नहीं बना रहे हम, देखो इस पे टेंशन लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ का अगर हम स्ट्रेस निकाले तो क्या होगा, स्ट्रेस निकाले तो क्या होगा, हम यहाँ का इस पोर्शन का स्ट्रेस जो होगा वो टेंशन बाय एरिया होगा। अब एरिया तो सेम ही रहेगा जो भी एलिमेंट ले हम, यानी कि टेंशन क्या है, एम एक्स जी बाई ए एल, तो स्ट्रेस हमारा है एम एक्स जी बाई ए एल। तो अब स्ट्रेन निकाल सकते हैं, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस, देखो स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, तो हम स्ट्रेन को लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस, देखो इस तरफ अब आ जाते हैं, देखो
तो यहां से हम स्ट्रेन निकाले, स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस वाई, यानी कि एम एक्स जी बाय ए वाई एल। देखो ये आया हमारे पास। अब अगर हम डीएक्स, देखो स्ट्रेन हमें ये डीएक्स पोर्शन का पता चल गया है, अगर हम डीएक्स पोर्शन का स्ट्रेन पता चल गया तो ये डीएक्स पोर्शन में छोटा सा इलोंगेशन डेल्टा होगा, वो डेल्टा निकाल सकते हैं हम कितना होगा। देखो अगर हम डेल्टा लिखे स्ट्रिंग को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बाई लेंथ, इसकी लेंथ क्या है डीएक्स, और ये क्या होगा एम एक्स जी बाई ए वाई एल, इसको डी डेल्टा लिख दो क्योंकि बहुत छोटा है ये, बहुत छोटे इसलिए इसको हम डी डेल्टा लिख रहे हैं, बहुत छोटा सा इलोंगेशन है ये। तो इधर से डी डेल्टा क्या आएगा, डी डेल्टा क्या आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा एम एक्स जी बाई ए वाई एल डी एक्स। हम हमारे पास डी डेल्टा आ गया, तो अब इसको हम अगर हम इंटीग्रेट कर दे, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दो 0 से x, ये 0 से डेल्टा, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे इलोंगेशन 0 था इतने छोटे पोर्शन पे, क्योंकि यहाँ पे टेंशन 0 था, और यहाँ पे मान लो यहाँ तक जाए तो टोटल इलोंगेशन डेल्टा आ जाता है। तो इधर से डेल्टा क्या आएगा हमारे पास, देखो इधर से हम सॉल्व करें तो हमारे पास डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा माइनस 0 इक्वल टू एम जी ए वाई एल, पांच ही चीज का कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लो। इंटीग्रल एक्स डी एक्स, इंटीग्रल एक्स डी एक्स क्या होगा x² / 2, ये तो पता ही होगा। मैं अगर आपने कैलकुलस पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो मैं बेसिक मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ दिखाया है। इधर रुको, अब इसको मिटा देता हूँ मैं, देखो ये चीज को मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन को कर लेते। देखो डेल्टा माइनस 0 इक्वल टू एम जी बाई ए वाई एल इंटीग्रल एक्स डी एक्स 0 से x, तो डेल्टा इक्वल टू एम जी बाई ए वाई एल x² / 2 इंटीग्रल 0 से x। देख x² / 2 इंटीग्रल 0 से x, तो इधर से डेल्टा क्या आएगा हमारे पास एम जी बाई ए वाई एल इंटू x² - 0/2, यानी कि x² / 2 ही, ये 0 से x नहीं है, ये 0 से लेंथ है, हम स्ट्रिंग की लेंथ देख रहे हैं, x नहीं है, l होगा लिमिट। हम यहां से यहां तक टोटल इलोंगेशन निकाल लेते, 0 से l होगा, तो ये क्या होगा इंटू l² / 2। तो इधर से इलोंगेशन टोटल स्ट्रिंग में जो आया वो क्या आएगा एम जी एल बाई 2 ay। तो देखो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको इस क्वेश्चन मजा आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, हम बाकी बहुत सारे इलस्ट्रेशन अगले लेक्चर में करेंगे। हाँ ये अल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन वाले, इसको जरूर याद रखें। हम बाद में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे, जैसे कि अब क्वेश्चन में आगे ऐसा भी आएगा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, कुछ एक्स पे डिपेंड कर रहा हो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे, इजीली हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल में मजा आया हो, ये लेक्चर में मजा आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।